हेलो दोस्तों, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है PUC सेकेंड ईयर का फोर्थ लेसन, जो कि एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्न इन द फॉरेस्ट, जिसे वंदना शिवा ने लिखा है। ये जो लेसन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस लेसन की जो थीम है ये नेचर पे बेस्ड है, बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड है। हमारा जो प्रकृति है, राइट, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है इसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। अब वंदना शिवा जो ये हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं सबसे पहले कि ये वंदना शिवा है कौन एग्जैक्टली, ठीक है। वंदना शिवा जो पैदा हुई थी 1952 में, यानी 1952 में, रोट दिस आर्टिकल फॉर द इश्यू टाइटल्ड व्हाट वुड नेचर डू। देखिए, ये जो लेसन जो है ना, ये आपके सामने लेसन के रूप में आया है, लेकिन ये लेसन एग्जैक्टली लेसन नहीं है। ये एक कुछ हिस्सा है मैगजीन का, कुछ हिस्सा है जो एसेज वंदना शिवा ने लिखे हैं नेचर पे, उसका एक मिक्सचर है ये, ठीक है, जिसे लेसन के रूप में आपके सामने परोसा गया है। तो इसमें जो ये एक आर्टिकल है जैसे कि मैंने बताया था, और ये आर्टिकल कहाँ पर लिखा है, व्हाट वुड नेचर डू, ये एक ऐसे है उसका एक पार्ट है, ठीक है। विंटर 2012 ऑफ यस मैगजीन, ये जो ऐसे था यानी कि जो लेसन था ये यस मैगजीन नाम वाली मैगजीन में, यानी यस मैगजीन में इसका आर्टिकल छपा हुआ था वंदना शिवा का, वहाँ से ये ऐसे को लिया गया जिसे लेसन के तौर पर बनाया गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। शी इज़ एन इंटरनेशनली रिनाउंड एक्टिविस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड अगेंस्ट कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन एंड ऑथर ऑफ स्टोलन हार्वेस्ट, द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई। अब शी इज़ एन इंटरनेशनली, यानी सिर्फ नेशनल लेवल पे, यानी सिर्फ हिंदुस्तान में ही वो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में उसका नाम है वंदना शिवा का। सारी दुनिया के लोग जो एक्टिविटीज है वो सारे के सारे लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वंदना शिवा को एज एन एक्टिविटिस्ट पहचानते हैं, जो, ठीक है, समाज सेविका जैसे कि हम कहते हैं उसे एक्टिविटीज कहते हैं। और ये जो समाज सेवा जो वो कर रही थी वो एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी के लिए कर रही थी, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए कर रही थी, प्रकृति को बचाने के लिए कर रही थी, और बहुत सारी चीज़ें। एंड अगेंस्ट कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन, ये कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन जो है, मैं इसे और थोड़ी वजाहत के साथ, यानी और थोड़ी डिटेल में आप लोगों को जब मैं लेसन सिखाना शुरू करूँगा उस वक्त मैं आपको बताता हूँ कि कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। एंड ऑथर ऑफ स्टोलन हार्वेस्ट, देखो ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है ये, ठीक है, ये बहुत अलग अलग रोल उन्होंने अदा किए अपने लाइफ में, एज एन एक्टिविटिस्ट और एज एन ऑथर, एज अ राइटर, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखे जिसका नाम है स्टोलन हार्वेस्ट, द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई, ये इनकी पहली किताब है। दूसरी किताब है अर्थ डेमोक्रेसी जस्टिस सस्टेनेबिलिटी एंड पीस सॉइल नॉट ऑयल एंड स्टेइंग अलाइव, ये इनकी दूसरी और एक किताब है। द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एसे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो लेसन है ये लेसन ना होकर एक एसे है, एक आर्टिकल है, तो इसका जो लास्ट पार्ट है इस लेसन का वॉज अडेप्टेड फ्रॉम वंदना शिवाज फॉरेस्ट एंड फ्रीडम विच वॉज पब्लिश्ड इन द मई जून 2011 एडिशन ऑफ रिसर्जेंस मैगजीन। तो इसका जो लास्ट पार्ट है ये लेसन का, जो एक टाइप का आर्टिकल है, इसे छापा गया था रिसर्जेंस मैगजीन में, ठीक है, और ये मैगजीन छपी थी मई जून के 2011 में, ये एडिशन में। और फॉरेस्ट एंड फ्रीडम, ये इनकी एक किताब थी, इस किताब में से थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्शन, यानी कि इस किताब का थोड़ा सा हिस्सा रिसर्जन मैगजीन में छापा गया था, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो वंदना शिवा है ये एक्टिविटीज़ है, समाज सेविका है, ऑथर है, राइटर है और एडिटर भी है ख़ास तौर पर, ठीक है। इन दिस एसे वंदना शिवा फर्स्ट टेल्स अस
how she learnt about environmentalism from the uneducated woman of Garhwal, Himalaya. Garhwal, Himalaya के जो औरतें हैं उनका जिक्र ऐसे के फर्स्ट हिस्से में बताया गया है कि कैसे वंदना शिवा एक एक्टिविटीज़ बनी और उसका जो ताल्लुक था उसकी नज़दीकियाँ नेचर के साथ में कैसी बनी, शुरुआत कैसे की उसने अपनी लाइफ की, ये सारी चीज़ें लेसन के पहले हिस्से में आपको मालूम पड़ जाएगी. While the government officials and men were cutting down trees for logs, the woman showed them that the trees and forest were living things and we need to live with them. और इस ऐसे का दूसरा हिस्सा जिसमें उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे जो गढ़वाल एक इलाका है हिमालयाज में जहाँ की जो औरतें थी उन्होंने बगावत की वहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग पेड़ वगैरह काटना चाहते थे तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने इस पे विरोध किया और उनको वहाँ के पेड़ काटने नहीं दिया. तो एक मूवमेंट हुआ था कुछ सालों पहले जिसका नाम था चिपको मूवमेंट, जो नॉर्थ इंडिया में हुआ था. दरअसल इस चिपको मूवमेंट एक काफ़ी फेमस था. वैसे भी आपको ये चिपको मूवमेंट के बारे में कुछ जानकारी होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. चिपको मूवमेंट एक इस तरह का आंदोलन था जहाँ पर सारी औरतें उस इलाके की पेड़ों से जाकर चिपक जाती है ताकि जो पेड़ काटने वाले जो है जिसे लॉगर्स कहते हैं इंग्लिश में, वो काट ना पाए. उनका जो कहना था औरतों का कि अगर आपको पेड़ काटना हो तो सबसे पहले उन्हें काटा जाए, ठीक है. और इस तरह से ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, कामयाब हुआ. तो और इसके बाद इससे इंस्पिरेशन लेकर साउथ में भी इस तरह का आंदोलन हुआ था जहाँ पर औरतों ने पेड़ से जाकर चिपक गए थे और उसे नाम दिया गया था अपीको मूवमेंट, ठीक है. ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया कि चिपको मूवमेंट के बाद एक अपीको मूवमेंट जो हुआ था साउथ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर लेटर वंदना लर्नड ऑल द मेजर आइडियल्स ऑफ अ गुड लाइफ फ्रॉम द फॉरेस्ट. दे आर diversity of life forms and the need to accept diversity as a principle of life. अब मैं इसे ज़्यादा आगे elaborate नहीं करूँगा, यानी कि मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा. बस यहाँ से कुछ वंदना शिवा ने कुछ चीज़ें qualities सीखी नेचर से जो उन्होंने अपने लाइफ में अपनाई, और उसमें से एक क्वालिटी थी डाइवर्सिटी, भिन्नता. भिन्नता में एकता, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा इंग्लिश में उस प्रोवर्ब को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल दूँ तो हमारा इंडिया जो है, हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पर जो लोग हैं बहुत सारे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हैं. इन शॉर्ट बहुत सारे अलग अलग लोग आप लोग को दिखाई देंगे जो अलग अलग तरह तरह के बैकग्राउंड से आते हैं. लेकिन ये जो हमारी जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, इन सारे लोगों को एक साथ रखा है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, राइट. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब जो हिंदुस्तान ने जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी अपनाया है, ये कहाँ से अपनाया है? ये अपनाया गया है फॉरेस्ट से. हम लोगों ने फॉरेस्ट से ये चीज़ें सीखी. ये आगे ये जो पॉइंट्स है ये सारे के सारे लेसन्स में दिए गए, तो मैं सिर्फ आप लोग को ओवरऑल एक थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि इस लेसन में क्या हम पढ़ेंगे. अर्थ इज़ आर मदर एंड नॉट जस्ट रॉ मटेरियल टू बी एक्सप्लॉयटेड. वी नीड टू लिव इन हार्मनी विद नेचर. ऑब्वियसली जो हमारा नेचर है हमें इनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए. हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, हम नेचर को तकलीफ़ दे रहे हैं, और उसका जो भरपाई और उसका जो बदला जो नेचर हमें दे रही है वापस, प्रकृति हमें वापस दे रही है, वो सुनामी के रूप में दे रही है और भूकंप, फ्लड, फेमाइन, इस तरह के जो बड़े बड़े आपदा आती है इसके रूप में हमें जो प्रकृति है हमें वापस दे रही है, ठीक है. अर्थ डेमोक्रेसी रिस्पेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ टू इवॉल्व एंड टू लिव टुगेदर. अब अर्थ डेमोक्रेसी क्या चीज़ होती है ये भी हम लेसन में सीखेंगे.
तो और डेमोक्रेसी एक ऊपर तौर से मैं अगर आपको बोलूं, यानी कि सारे जो जितने भी जानवर है हमारे फॉरेस्ट में, हमारे जंगलों में जो रहते हैं तरह तरह के जानवर, इनको समान हक देना चाहिए, इनको भी जीने का हक होता है जो हमें उन्हें देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्वार्थ के लिए हम जानवरों को कत्ल कर रहे हैं, और जैसे कि शेर के चमड़े, दांत और उस तरह के जो हड्डियां वगैरह, फिर हाथी के जो दांत होते हैं हम हाथी को मार कर ही हासिल कर सकते हैं, और ये इस तरह के जो जानवर होते हैं हम उनको मार देते हैं, लेकिन उनको जीने का भी हक होता है, तो हम उनको हक दे रहे हैं। अर्थ डेमोक्रेसी हम इसे कहते हैं, ठीक है। द इंडियन ट्रेडिशन टू इकोलॉजी हैज रिकग्नाइज्ड बाई टैगोर द कल्चर ऑफ द फॉरेस्ट इज द थ्रू इंडियन कल्चर। इस लेसन का जो आखिरी हिस्सा है इसमें हम पढ़ेंगे जो टैगोर जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर, कुछ आइडियाज जो वंदना शिवा ने रविन्द्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड होकर अपने लाइफ में उन्होंने उसे अपनाया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है इंग्लिश में से कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे कि टैगोर से हम, रविन्द्रनाथ टैगोर से हमने क्या सीखा, क्योंकि आप लोग को पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक ऐसे इंसान थे जो प्रकृति के नज़दीक रहना काफ़ी पसंद करते थे, और उस दौर के जो ब्रिटिशर्स थे और उस दौर के जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उनसे बहुत खिलाफ थे वो, ठीक है। वो चाहते थे कि वो पेड़ों के आसपास रहकर स्कूल सीखे, लेकिन वो उनसे ब्रिटिश के उस ज़माने के जो स्कूल सिस्टम से उनसे उनमें वो मिक्सअप नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो भी हम सीखेंगे। दस वंदना शिवा सेज दैट द फॉरेस्ट टीचेस अस द वैल्यूज ऑफ डाइवर्सिटी, फ्रीडम एंड कोएग्जिस्टेंस। ये जितना भी मैंने आप लोग को बताया है ना, ये सारे के सारे हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, और प्रोबेबली ये जो भी कुछ आप लोग को मैंने अभी जो इंट्रोडक्शन दिया है वंदना शिवा का, ये आप लोग लेसन में सीखोगे, और इसी लेसन में सीखोगे, ठीक है। आने वाले जितने भी वीडियोस इस लेसन पर बनेंगे तो आप लोग गौर से सुनिए, ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नो डाउट ये लेसन बहुत बड़ा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि ये लेसन में हर एक लाइन में एक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है और एक मैसेज छुपा हुआ है जो हमें समझना है, ठीक है। तो मैं आज के लिए ये लेसन को यहाँ पर एंड करता हूँ। मैं जस्ट ये जो है ना, ये जो पार्ट वन है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है वंदना शिवा का, पार्ट टू में हम एक्चुअल लेसन से स्टार्ट करेंगे। तो बने रहे बिंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे अभी भी जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे कुछ स्टूडेंट लोगों ने मुझे कहा कि कुछ वीडियोस बनाए जाए पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पर, तो मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स मिला उन लोगों से। तो आज उस कमेंट्स के बदौलत मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इस लेसन के रूप में। तो मैं चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को शेयर और लाइक करने के लिए कहे। तो थैंक यू सो मच।